सब्सक्राइब कीजिए हमारे बिघट इंडिया चैनल को और घंटी के आइकन को दबाकर सबसे पहले कृषि संबंधी वीडियो को देखें। मैं आपको फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उसके ऊपर लगे केमिकल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको पता ही होगा, फार्मर्स और जो वेजिटेबल वेंडर्स रहते हैं वो ताज़ा रखने के लिए फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर ढेर सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स डालते हैं। ये पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स अपने बॉडी के लिए बिल्कुल ही अच्छे नहीं रहते हैं और उससे बहुत सारे टाइप के डिजीजेज होते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये जो केमिकल रहते हैं वो पानी में धुलने से चले जाते हैं, बट ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे केमिकल्स को हाइड्रोफोबिक बनाया जाता है ताकि वो बारिश होने से वो निकल ना जाए। हम लोगों ने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जो इको फ्रेंडली है, ऑर्गेनिक है, जो कम्प्लीटली सेफ है कंज्यूम करने के लिए, जिसमें धुलने से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के ऊपर लगे सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स निकल जाएंगे बहुत आसानी से। आज मैं आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। जैसे आपको बताया गया है, अब हम इस प्रोडक्ट का डेमो दिखाने जा रहे हैं। इसके लिए हम लोकल मार्केट से फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद के लेके आए हैं जिसमें बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स हैं। अब हम इसे टैप वाटर से, यानी कि नॉर्मल वाटर से वॉश करेंगे और एक को एवरग्रीन इंस्टा वेजन फ्रूट वॉश से वॉश करेंगे। अभी हमने दोनों कंटेनर में नॉर्मल वाटर लिया है। अब हम एक में ग्रीन एवरग्रीन इंस्टेंट वेज फ्रूट वॉश ऐड कर रहे हैं। अब हम पहले ग्रेप्स वॉश करेंगे इससे, एवरग्रीन वॉश से, और एक को टैप वाटर वॉश से। एक ही सॉल्यूशन में बहुत सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी वॉश कर सकते हैं। आप देख सकते हो इसमें ग्रेप्स है, टमाटोज है, भिंडी यानी कि ओकरा भी है। अभी हम इस फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश कर रहे हैं। ये है टैप वाटर से वॉश किया हुआ। पहले जो हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए थे वो हमने उस पानी से निकाल दिए हैं। अब हम इसी पानी में दूसरे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश करने जा रहे हैं। हम अब लीफी वेजिटेबल्स ले रहे हैं। लीफी वेजिटेबल्स पे बहुत सारे पेस्टिसाइड्स और केमिकल्स होते हैं, इसे फ्रेश रखने के लिए और इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, जो एवरग्रीन वॉश से निकलते हैं। इस सॉल्यूशन से वॉश करने से आपके खाने में कोई भी आफ्टर टेस्ट नहीं आती है। आप इसे डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, वॉश करने के बाद डायरेक्टली कंज्यूम कर सकते हो, इसे रीवॉश करने की भी जरूरत नहीं। अभी हमने इससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए हैं, लेकिन हम घर में रोज चावल, दाल ये वॉश करते हैं, इसके लिए भी हम एवरग्रीन वॉश यूज कर सकते हैं। उस पर भी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स, केमिकल्स होते हैं जो एवरग्रीन वॉश से निकल सकते हैं। अब आप देख रहे हो इन दोनों वॉश का डिफरेंस, कलर डिफरेंस। ये जो पानी है वो टैप वाटर का है जिसमें हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए थे, और ये है हमारा एवरग्रीन वॉश का पानी जिसमें हमने फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वॉश किए हैं। आप देख सकते हो इन दोनों में बहुत सा कलर डिफरेंस है। हमने इसके अलग अलग टेस्ट किए हैं जिससे हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं कि डिफरेंस कितना आता है, पेस्टिसाइड्स कितने निकलते हैं फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे। जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, अबाउट 99% पेस्टिसाइड्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इससे निकल जाते हैं।
जैसे आपने अभी डेमो देखा, हम लोगों ने जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को वॉश किए है उसको हम लोगों ने एक बीकर में कलेक्ट किया, और ये है वो, ये जैसे दिख रहा है वो, जो टैप वाटर से वॉश किया है उसका जो कलर है वो काफ़ी लाइट है, और जो एवरग्रीन से वॉश किया है वो बहुत ज़्यादा टर्बिड है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मड, डर्ट, डस्ट, सॉइल, जितना भी कुछ होता है वो सारा कुछ निकल गया है। इसका हम लोगों ने टेस्ट इंटरनेशनल लेबोरेटरी से किया है, NPOP सर्टिफाइड और NABL अक्रेडिटेड लेबोरेटरी से हम लोगों ने इसको टेस्ट किया है। उसमें ऐसा पता चला है कि एटलीस्ट 98-99% ऑफ केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स और बाकी सारा कुछ जो भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे लगा रहता है वो सारा निकल गया है। इसके एनालिटिकल रिजल्ट्स हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है। हम लोगों ने ये भी देखा है कि इसके ऊपर के जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, जितना भी सब कुछ होता है वो भी निकल गया है। इसका रिजल्ट ऐसा दिखा है कि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है उसका शेल्फ लाइफ हमको कम से कम 2 या 3 टाइम्स ज़्यादा मिला है, तो उसको हम लोग ज़्यादा दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। आपका समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बिखट इंडिया चैनल को।